आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो ऑटोडेस्क माया में प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं। अर्थात आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मैनेज सीन फाइल्स एंड न्यू प्रोजेक्ट्स इन माया। अगर आप एक टीम के साथ वर्क करना चाहते हैं तो आपको अपनी फाइल्स और न्यू प्रोजेक्ट को मैनेज करने आना चाहिए। एक टीम वर्क करने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। हमें पूरा यकीन है कि हमारी वीडियो को पूरा देखने के बाद माया में प्रोफेशनली वर्क करने के लायक हो जाएंगे। हम ये बात 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। यह टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने उन्हीं टॉपिक्स को इस वीडियो में शामिल किया है जो आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये टॉपिक हैं, नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, नंबर 2 प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी, नंबर 3 प्रोजेक्ट डेफिनेशन फाइल, नंबर 4 प्रोजेक्ट सब डायरेक्टरीज, नंबर 5 प्रोजेक्ट विंडो इंटरफेस, नंबर 6 हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन माया, नंबर 7 हाउ टू सेट अ प्रोजेक्ट इन माया। क्या माया में केवल प्रोजेक्ट बना लेना ही काफ़ी होता है या उसके साथ साथ कुछ और बातों को भी ध्यान देना होता है? ऐसे ही कई इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे और आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका जवाब इसी वीडियो में छिपा होगा। यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाय हाय फ्रेंड्स, आई एम अरुण, अ 3D आर्टिस्ट और आप देख रहे हैं 3D's मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल। आज हम माया में न्यू प्रोजेक्ट बनाना सीखें। उससे पहले ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है? अगर प्रोजेक्ट को हम सिंपली वर्ड में कहें तो उसके लिए सही वर्ड है अ ग्रुप ऑफ फोल्डर। हम प्रोजेक्ट को यूज़ करके माया के सीन फाइल से रिलेटेड सभी डिफरेंट फाइल्स को एक जगह मैनेज कर सकते हैं या एक ही लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट फाइल्स को कलेक्ट या स्टोर करने के लिए फोल्डर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट डेफिनेशन फाइल और प्रोजेक्ट सब डायरेक्टरीज। इन सभी का सीधा सीधा संबंध प्रोजेक्ट से है, इसीलिए हमें लगा कि आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी। प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी को रूट फोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। रूट फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट में टॉप लेवल पर होते हैं। माया में जब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तब प्रोजेक्ट विंडो से रूट फोल्डर बनाया जा सकता है और लोकेशन दिया जा सकता है। अब हम प्रोजेक्ट डेफिनेशन फाइल की बात करेंगे। माया में प्रोजेक्ट डेफिनेशन फाइल workspace.mail फाइल्स के नाम से जानी जाती है। इस फाइल में हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी कहाँ स्टोर है या माया के डिफरेंट फाइल्स की लोकेशन या पाथ आदि का रिकॉर्ड रखता है। और आप जब भी अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल में कुछ भी चीज़ें चेंजेस करते हैं तो वर्क स्पेस फाइल अपने आप
अपडेट हो जाता है। इन फाइल्स के लोकेशन या पाथ को यूज़ करके रन टाइम में फाइल्स पाथ से संबंधित प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जा सकता है। प्रोजेक्ट सब डायरेक्टरी, माया में इसका यूज़ प्रोजेक्ट फाइल्स मैनेज करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी प्रोजेक्ट लोकेशन, प्राइमरी प्रोजेक्ट लोकेशन, सेकेंडरी प्रोजेक्ट लोकेशन, ट्रांसलेटर, डेटा लोकेशन और कस्टम डेटा लोकेशन माया में अपने आप जनरेट हो जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं। अब हम प्रोजेक्ट विंडो के इंटरफेस को समझेंगे और इसके बाद नया प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। ओके, चलिए पहले प्रोजेक्ट विंडो को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए फाइल्स मेन्यू में जाएं और फिर फाइल मेन्यू ऑप्शन में से प्रोजेक्ट विंडो पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही हमारे स्क्रीन पर कुछ इस तरह की प्रोजेक्ट विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो की हेल्प से माया में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया जा सकता है और प्रोजेक्ट फाइल लोकेशन दिया जा सकता है तथा पहले से स्थित प्रोजेक्ट की लोकेशन और नेम भी चेंज किए जा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोजेक्ट विंडो के इंटरफेस में सिर्फ मेन चीज़ों को समझेंगे जिसकी हमें माया में ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, करंट प्रोजेक्ट या हमारे प्रोजेक्ट का नाम दिखाई देता है। अभी यहाँ डिफ़ॉल्ट नेम डिस्प्ले हो रहा है। यह माया द्वारा बनाया गया डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है जो डिफ़ॉल्ट नाम से सेव होता है। हम न तो इसका नाम और न ही लोकेशन आदि को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए इस न्यू बटन पर क्लिक करें। लोकेशन, यह करंट प्रोजेक्ट दिखाता है तथा जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट का लोकेशन देने या लोकेशन नेविगेट करने के लिए ब्राउज आइकन को यूज़ किया जाता है। प्राइमरी प्रोजेक्ट लोकेशन, इसमें हमारे करंट प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट फाइल या प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज के लिस्ट होते हैं। जब हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो माया इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देती है। प्राइमरी प्रोजेक्ट लोकेशन हमारे प्रोजेक्ट का आवश्यक डाटा जैसे कि सीन फाइल्स, टेक्सचर फाइल्स और रेंडर इमेज फाइल आदि के लिए लोकेशन प्रोवाइड करता है। हम इन फाइल्स के नाम और लोकेशन दोनों ही चेंज कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रोजेक्ट लोकेशन, यहाँ भी माया बाय डिफ़ॉल्ट सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर का लिस्ट बना देती है। प्राइमरी प्रोजेक्ट लोकेशन से रिलेटेड फोल्डर सेकेंडरी प्रोजेक्ट लोकेशन बनाती हैं। इन फोल्डर्स का भी नेम या लोकेशन चेंज किया जा सकता है। जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट लोकेशन जैसे प्राइमरी प्रोजेक्ट लोकेशन, सेकेंडरी प्रोजेक्ट लोकेशन, ट्रांसलेटर डाटा लोकेशन तथा कस्टम डेटा लोकेशन को बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया जाता है जब तक कि अति आवश्यक ना हो। ठीक है, चलिए अब हम सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं जिसका आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे होंगे कि हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन माया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट विंडो में माया द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट जनरेटेड लोकेशंस और उसके नेम्स को यूज़ करके
हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं या हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। चलिए न्यू प्रोजेक्ट बनाने का प्रोसेस देखते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले न्यू बटन पर क्लिक करें। करंट प्रोजेक्ट के टेक्स्ट बॉक्स में अपने प्रोजेक्ट का मीनिंगफुल नेम टाइप करें। इस लोकेशन को प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। यहाँ हमारे प्रोजेक्ट का पाथ दिखाई देता है। लोकेशन के राइट में ब्राउज़र आइकन पर क्लिक करके आप अपने प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी या प्रोजेक्ट रूट फोल्डर की लोकेशन बताया निर्धारित कर सकते हैं। हम जैसे ही ब्राउज आइकन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम रूट फोल्डर डायरेक्टरी या लोकेशन देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट रूट फोल्डर की लोकेशन सी ड्राइव होती है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप यहां से माय कंप्यूटर पर क्लिक करें तथा जिस फोल्डर में आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उस ड्राइव पर डबल क्लिक करें। आप चाहें तो कोई भी ड्राइव सेलेक्ट करें, वहां एक रूट फोल्डर ज़रूर बनाएं। ओके, हमने यहां डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया है। अब हम यहां से अपना रूट फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने पहले से ही रूट फोल्डर बनाया हुआ है तो उसे सर्च करें और सेलेक्ट करें और इस सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर दें। यदि आपने अभी तक रूट फोल्डर नहीं बनाया हुआ है तो आप यहां से क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करें और एक नया फोल्डर बना लें और उसे मीनिंगफुल नेम दे दें। ओके, प्राइमरी प्रोजेक्ट लोकेशंस में अभी हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जब दूसरा न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तब उसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट को क्रिएट करने और चेंजेस को सेव करने के लिए एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर दें। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले अपने प्रोजेक्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें डेस्कटॉप पर जाना होगा। ये रहा हमारा फोल्डर, इसे ओपन कर लें। यहाँ हमारे सारे फोल्डर्स मिलेंगे। अब हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे और जैसे कि फोल्डर्स नेम और उसमें से कुछ फोल्डर्स को रिमूव करेंगे। एक बार फिर से प्रोजेक्ट विंडो ओपन कर लेते हैं। ओके, न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले न्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। करंट प्रोजेक्ट के टेक्स्ट बॉक्स में अपने प्रोजेक्ट का मीनिंगफुल नेम टाइप कर देते हैं। अब प्राइमरी प्रोजेक्ट्स लोकेशंस को कस्टमाइज़ करते हैं। यदि आप इनमें से कुछ फोल्डर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप फोल्डर्स नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दें। ठीक है, यदि फोल्डर नेम चेंज करना चाहते हैं तो इनमें कोई भी मीनिंगफुल नेम टाइप कर दें। आपके न्यू प्रोजेक्ट में सिर्फ वही फोल्डर क्रिएट होंगे जिन फोल्डर्स के टेक्स्ट बॉक्स में कोई ना कोई नेम होगा। बाकी फोल्डर्स आपके न्यू प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगे, अर्थात वो रिमूव हो जाएंगे। यदि आप प्राइमरी प्रोजेक्ट लोकेशन के पूरे फोल्डर्स को और उसके टेक्सचर को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोजेक्ट विंडो के एडिट मेन्यू में जाएं और क्लियर सेटिंग पर क्लिक कर दें। ओके, यदि आप प्रोजेक्ट विंडो के एडिट मेन्यू में जाकर रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक कर देते हैं तो प्रोजेक्ट लोकेशन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वापस आ जाती है। चलिए प्राइमरी प्रोजेक्ट लोकेशन क्लियर कर देते हैं और फटाफट कुछ फोल्डर्स में नाम डाल देते हैं। चलिए ये हो गया। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने और चेंजेस को सेव करने के लिए एक्सेप्ट
बटन पर क्लिक कर दें। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले अपने प्रोजेक्ट को फिर से चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें डेस्कटॉप पर जाना होगा। इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ वही फोल्डर्स हैं जिनमें नाम डाले गए थे। अब तक हमने देखा कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, अब देखेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे सेट किया जाता है। हम जब तक अपना प्रोजेक्ट सेट नहीं करते तब तक हमारी सीन फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट में स्टोर या सेव नहीं होती हैं। इसलिए न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद प्रोजेक्ट सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोजेक्ट सेट करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएं और फिर फाइल मेन्यू ऑप्शन में से सेट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही हमारे स्क्रीन पर कुछ इस तरह का विंडो दिखाई देगा। अब हम यहाँ से अपना रूट फोल्डर सर्च करके उसे सेलेक्ट करेंगे। जब हमारा रूट फोल्डर सेलेक्ट हो जाए तो सेट बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट सेट हो जाएगा। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, हमारे प्रोजेक्ट में एक वर्क स्पेस डॉट मेल फाइल भी क्रिएट होती है तथा माया बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले प्रोजेक्ट सीन फोल्डर को सर्च करती है। इसलिए एक अच्छी आदत डाल लें कि जब भी आप न्यू फाइल्स पर वर्क स्टार्ट करें उससे पहले प्रोजेक्ट सेट कर लें। नंबर दो, हम चाहें तो अपने फाइल्स को प्रोजेक्ट के बाहर ब्राउज या सेव कर सकते हैं। ओके, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। आज का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट डेफिनेशन फाइल का दूसरा नाम क्या है? आप अपना जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके जवाब का वेट करेंगे। देखते हैं कि किसका और कितनों का जवाब सही होता है। यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।